अंजलि भाभी, सुना है खुशी के माँ बाप उसे लेने आए हैं। पता नहीं अंजलि भाभी, अभी नीचे आएंगे तो पता चलेगा। आई होप सो। बटलाल, खुशी के मम्मी पापा आए हैं। क्या पता, कोई आया तो है। अरे बबड़लाल, खुशी के पेरेंट्स मिल गए। कौन है? अरे मुझे क्या पता यार भाई, आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं खुशी के माँ बाप को बरसों से जानता हूँ। अरे बबड़लाल, नहीं मालूम है तो ना बोल दो, इतना गुस्सा क्यों करते हो? नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ अय्यर भाई, लेकिन क्या है ना, जो भी आ रहा है मुझे से पूछ रहा है। अब मुझे कुछ पता ही नहीं तो मैं क्या बताऊँ। पोपट भाई वो, हाँ हाँ, खुशी को लेने कोई आया है, लेकिन कौन आया ये पता नहीं है। अभी नीचे आएंगे तो पता चलेगा कि वो खुशी के माँ बाप है या नहीं। ये खुशी के माता पिता है। नमस्ते। वणक्कम जी। नमस्ते। नमस्ते। खुशी के माता पिता, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, हमने आप लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश की। हम यही सोच रहे थे कि आप लोगों को कैसे ढूंढे, कहाँ ढूंढे। भगवान का लाख लाख शुक्र है बहन जी कि आप लोग आ गए। आप सभी गोकुल धाम वासियों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बच्ची का इतना ध्यान रखा। अब हमें आज्ञा दीजिए, हमें चलना होगा। मम्मी, दादाजी, ये लोग खुशी को कहाँ ले जा रहे हैं? बच्चों, ये खुशी के माता पिता है, खुशी को घर ले जा रहे हैं। मतलब अब खुशी हमारे साथ नहीं रहेगी? नहीं बेटा, चिंता नहीं करो, हम आपके साथ खेलने के लिए खुशी को कभी कभी यहाँ पर जरूर लाया करेंगे। और हमने अपना एड्रेस भी दे दिया है, आप लोग चाहे तो रोज आ सकते हैं खुशी के साथ खेलने। आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें आज्ञा दीजिए, हमें चलना चाहिए। बहन जी, प्लीज आप रोइए मत, खुशी आप ही की तो बेटी है, आप इसे मिलने कभी भी आ सकती हैं, और मैं खुद खुशी को यहाँ सोसाइटी में लेके आती रहूंगी आप लोगों से मिलवाने। बहू, जाने दे खुशी। अब हम चलते हैं। रोक लीजिए उन्हें, ये मुझे ये लोग झूठे लग रहे हैं। इनके पास क्या सबूत है कि यही बच्चे के माँ बाप है? मुझे भी कब से यही लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, कहीं ये सच तो नहीं कह रहे हैं। आप मेरी बात मानिए ना, ये लोग झूठे हैं। आप इनसे पूछिए ना, पूछिए इनसे कि इनके पास क्या सबूत है। बराबर है, क्या सबूत है इन लोगों के पास? एक बार कैसे भी करके इन लोगों को परखना तो पड़ेगा ही। आप रोकिए ना उन्हें, वो बच्ची को लेके चले जाएंगे। आप जाइए ना उन्हें रोकिए, एक बार रोक लीजिए। एक मिनट बैठिए, रुक जाइए, रुक जाइए। बहू, क्या हुआ? बहू, क्यों? क्या मम्मी? क्यों? बहू, जरा खुशी को थोड़ी देर के लिए देंगे, मैं इसे गले लगाना चाहती हूँ। खुशी,
बेटी है ना? हाँ? एक मिनट बापूजी, बोलिए, खुशी आपकी ही बेटी है ना? हाँ हाँ हाँ, हमारी बेटी है, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? तो इसके शरीर पर जन्मते वक्त कोई निशान होगा, वो तो आपको पता ही होगा। इनका मतलब है बर्थ मार्क, कोई बर्थ मार्क है? हाँ हाँ, वो उसके ऊपर वो। बताइए बताइए, इतना तो आपको पता ही होगा। हाँ भाई बताइए, हो सकता है आपने बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखवाया हो। वो ऊपर क्या, मुझे याद नहीं आ रहा है, तुम बताओ ना। नहीं, इसके शरीर के ऊपर तो ऐसा कोई बर्थमार्क है ही नहीं। नहीं है, नहीं है जी। कोई निशान नहीं था? नहीं जी। कोई बात नहीं, तो खुशी का जन्म कौन सी तारीख को हुआ? 15 25। अपनी बच्ची की जन्म तारीख याद नहीं है? आप लोग अभी से भूल गए? ठीक से याद कर लो, 15 के 25। हाँ। 25 जी, 25 ही है। वो क्या हुआ ना कि बच्ची मिलने की खुशी में मैं बहुत भावुक हो गया, इसलिए भूल गया मैं। है ना? अच्छा, तो खुशी का जन्म कौन से अस्पताल में हुआ था ये तो पता ही होगा ना? आप लोगों के सारे सवालों का जवाब है मेरे पास। वो टैक्सी में बैग रखा हुआ है, उसमें इसका बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ है। आपको तसल्ली हो जाएगी, मैं लेकर आता हूँ। हाँ, एक मिनट रुकिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। वो क्या है ना कि आपको मिलेगा नहीं। हाँ आओ आओ, चलो आता हूँ, मैं आता हूँ जी, मैं ला रहा हूँ अभी। आप लोग देखना, ये लोग पक्का भाग जाएंगे। अरे ऐसे कैसे भाग जाएंगे, भागने नहीं देंगे इनको। अब ला रहा हूँ, ला रहा हूँ, ये मिल गया। चलो 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 चलो, 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 चलो। देखो देखो, टैक्सी की तो नंबर प्लेट ही नहीं है। फ्रॉड लोगों को तो पुलिस के हवाले करना चाहिए। सही बात है। वो मेरे पापा थे ना, तो भाग के पकड़ लेते। भाई अब्दुल, आगे से चौकन्ना रहना तुम। हाँ बड़े भाई, चलो छोड़ो। अरे जिनसे मिलने हम लोग भागे भागे आए, वो भाग कैसे कर, भाग क्यों गए? अरे भागेंगे ही ना, वो फ्रॉड लोग थे। फ्रॉड? फ्रॉड क्या? जयरलाल फ्रॉड, वो लोग झूठे थे जी। झूठ बोलकर खुशी को चुराने आए थे। मैं बताता हूँ क्या हुआ। बाल बाल बच गई खुशी। चीटर थे वो लोग, चीटर जेठा भाई। जरा सोचो, अगर वो लोग खुशी को ले जाने में कामयाब हो जाते तो क्या होता? नर्थ चलास्ता नर्थ। हमारी एक गलती की वजह से खुशी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। सही बात है। तो अच्छा हुआ कि बहू ने समझदारी दिखाकर आखिरी मौके पर उन्हें रोक लिया। हाँ हाँ, वरना वो लोग तो खुशी को लेकर निकल गए होते। नहीं नहीं बापूजी, दरअसल मुझे वो बहन, अरे वो बहन कहाँ गए? वो बहन कहाँ गए? वो बहन कहाँ गए? कौन दया, किसकी बात कर रही है तू? कहाँ
चले गए वो बैंक, ऐसे कैसे जा सकते हैं? अरे कौन बहन जी? ओ कौन? बापूजी हमारे घर पे एक बहन अगरबत्ती बेचने आए थे, उनकी बात कर रही हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि रोको इन्हें, झूठे हैं ये लोग। हाँ मैंने भी उसको एक दो बार देखा है। और जिस दिन हमारी सोसाइटी में अमूल्य चीज लेने के लिए सब लोग आए थे ना, उस दिन भी वो बहन आए थे। अच्छा तो वो वही औरत है जिस पर मुझे शक हो रहा था। जब से खुशी आई है तब से सोसाइटी में मैं उसे बार बार देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं से वो खुशी को देखती रहती है। हो ना हो उस औरत का खुशी के साथ जरूर कोई रिश्ता है। बापूजी मुझे लग रहा है कि वही खुशी की मम्मी है। एक्चुअली मुझे भी यही लगता है। मुझे तो पहले ही दिन से लग रहा है कि वही खुशी की माँ है। देखिए हम लोग ऐसे हवा में तीर नहीं छोड़ सकते, ये खुशी की जिंदगी का मामला है, हम लोग ऐसे अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो उसकी माँ है। सही बात है। नहीं मैं तो साहब जिस तरह वो खुशी के साथ खेल रही थी, ऐसा तो एक माँ ही अपने बेटी के साथ खेल सकती है। मैंने उनकी आंखों में माँ की ममता देखी है, नक्की वो खुशी की मम्मी ही है। हाँ पर वो औरत गई कहाँ? हाँ अरे हाँ वो घर में कुछ सामान छोड़कर गई है। टप्पू दीका घर में थैली पड़ी है, वो लेकर आना जल्दी। चल 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 जल्दी जल्दी चल। मम्मी पापा मिल गया, ये देखो। टप्पू के पापा। अरे ये तो छोटे बच्चे के कपड़े हैं। छोटे बच्चों के खिलौने। बच्चे की चीजें क्यों रखी है? मेरे प्यारे गोकुल धाम के भाई और बहनों, आज के मतलब ही जमाने में आपके जैसे सच्चे अच्छे प्यारे और प्यार करने वाले लोग मिलना नामुमकिन है, क्योंकि आप लोगों ने एक पराई बच्चे को अपने प्यार और दुलार भरे आंचल की छांव में इस तरह संभाला है, इस तरह संवारा है कि वो देख के असली माँ की भी आंखें भर आई है। जी हाँ मैं वही हूँ जिसे आप इतने दिनों से ढूंढ रहे हैं। मैं वही औरत हूँ जो इतने दिनों से खुशी की एक झलक पाने के लिए आपके आस पास छुपाते छुपाते घूम रही है। मैं खुशी की मजबूर माँ हूँ। मुझे पता है आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप सोचेंगे कि ये कैसी माँ है जो अपनी फूल सी बच्ची को वीरान मंदिर के पास छोड़कर चली गई। आप सोचेंगे ये कैसी माँ है जिसने अपनी बच्ची को दूसरों के सहारे छोड़ दिया। ऐसी क्या मजबूरी है उसकी, ये माँ तो माँ कहलाने के लायक ही नहीं। आप मेरा जितना चाहे तिरस्कार कीजिए, पर आपने जो मेरी बेटी को प्यार दिया है उसके आगे ये तिरस्कार कुछ भी नहीं। मेरी मजबूरी पहाड़ से भी बड़ी है और उसकी वजह से मुझे दिल पर पत्थर रखना पड़ा। भगवान ऐसा मजबूर कभी भी किसी भी माँ को ना बनाए। मैंने तो अपनी बच्ची को भगवान के सहारे छोड़ दिया था, लेकिन भगवान ने उसे दया भाभी के रूप में ममता की मूरत जैसी माँ दी है। भगवान ने उसे इतना प्यार करने वाला परिवार दिया है, उसे नई जिंदगी दी है और अब खुशी हमेशा आपके साथ गोकुल धाम में रहेगी, क्योंकि ये मेरी ही नहीं भगवान की मर्जी है। और मैं जानती हूँ कि खुशी को यहाँ इतना प्यार
इतना सुख और इतनी खुशियाँ मिलेगी जितनी मैं उसे कभी नहीं दे पाऊंगी। आज मैं आखिरी बार आई हूँ, आज के बाद मैं गोकुलधाम सोसाइटी में कभी नहीं आऊंगी। और आपसे विनती करती हूँ कि आप सब भी मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं आपको कभी नहीं मिलूंगी, कभी भी नहीं। और आप लोग खुशी को ऐसे ही प्यार करते रहना, और खुशी को कभी मत बताना कि वो आपकी बेटी नहीं है। खुशी की मजबूर माँ। दोस्तों, एक बड़ी पुरानी कहावत है, आपने जरूर सुनी होगी कि झूठ के पांव नहीं होते, झूठ कभी सत्य के सामने टिक नहीं सकता, टिकता नहीं है, झूठ सदैव सत्य से मात खाता है। और यही हुआ, खुशी के नकली माँ बाप का झूठ नहीं टिका, सत्य क्या है। और ये हुआ उस महिला की वजह से जिसने पत्र में लिख के हमें ये बताया कि वो खुशी की असली माँ है। अब देखना यह है कि क्या वो सचमुच खुशी की असली माँ है या वो भी किसी साजिश का हिस्सा है। उसका यह वक्तव्य कि वो खुशी की असली माँ है, उस पर यकीन किया जाए या ना किया जाए। अब गोकुलधाम वाले क्या करें, क्या वो इस पत्र को अनदेखा करके खुशी को अपना लेंगे या खुशी की मां को ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन ढूंढेंगे कैसे, कुछ अता पता नहीं है, ना नाम पता है ना कुछ एड्रेस पता है, सिर्फ एक महिला ने खत लिखा है कि वो खुशी की असली मां है। अब क्या करेंगे गोकुलधाम वाले, ये जानने के लिए आप और हम सारे लोग बेकरार हैं और हम सभी को इंतजार है अगले कदम का। अगला कदम क्या होगा ये आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.